उत्तराखंड का एक ऐसा गांव जहां आज तक सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में गांव वालों को इलाज के लिए मरीजों को अस्पताल ले जाने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आलम यह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक यहां सड़कों को बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी कुछ अमल नहीं हुआ है। एक युवती कपड़े धोते हुए अचानक ही बेहोश हो गई। उस युवती अनिशा देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाया। गांव वालों ने डोली के सहारे अनिशा को सड़क तक पहुंचाया, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया। ये समस्या गांव वालों को आए दिन बनी रहती है, जिसका कारण है उत्तराखंड के मुनस्यारी में गांधीनगर गांव से जो सड़क जाती है उसका कोई नामो निशान ही नहीं है। इसका खामियाजा गांव वालों को भुगतना पड़ता है। उस पूरे क्षेत्र में आज तक सड़क दिखाई नहीं दी है। ऐसे में गांव वालों को रोज ऐसी समस्याएं होती हैं और उनको इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। वहीं युवती को सही समय पर इलाज न मिलने से उसे कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता? क्या प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता? जबकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक यहां सड़कों को बनाने का दावा कर चुके हैं, लेकिन इस समय अब इस मुद्दे पर सरकार और प्रशासन सब नदारद नजर आ रहे हैं, लेकिन सड़क बनाने वाला एक भी दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।